हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। तो उसमें अपन ने देखो कि सब मेथड देख लेते, देन ग्राफिकल मेथड भी देखा था, और लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी की, ठीक है। तो उसमें अपन ने देखा था कि क्या क्या कंडीशन हो सकती थी। तो थ्री कंडीशन थी, नो सॉल्यूशन की थी, यूनिक सॉल्यूशन की थी, देन आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन तीनों के बिहाव पे अपने क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे अपन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाइज वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन थोड़े से अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद अपन कर लेंगे एनटीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो ही अपन सब चैप्टर में करते आ रहे, वैसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। बाकी मोर एंड लेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस वर्ड प्रॉब्लम कैसे होती है, क्या सॉल्व करना होता है उसमें, कैसे अप्रोच रहती है अपनी, वो अपन थोड़ा सा देखेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम जितनी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन लेके आया, कुछ और अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, कुछ बचेंगे तो, ठीक है। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम है वो अपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में तो यूज़ आएगा ही आएगा, आगे आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तब भी आपको यूज़ आने वाला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम यूज़ आएगी, बट वहाँ पे भी अप्रोच सेम रहने वाली, अप्रोच आपकी चेंज नहीं होने वाली, सेम अप्रोच से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे से आप थोड़ा सा समझने की ट्राई करना, जो फर्दर भी आपके यूज़फुल रहेगा, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, इसमें आपको ये गिवन है कि फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 89 एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड 5 times द सेकंड बाय 13, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन बोली गई है, इसने बोला है टू नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो लेट टू नंबर्स आर एक्स कॉमा वाई, चलिए आपके एक्स और वाई दो आपने नंबर ले लिए, ठीक है। अब आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है। अब एक बात ध्यान रखना, अभी अपन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, आगे जाके अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब आपको एग्जाम में सपना नहीं आने वाला है कि सर कौन सा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको ये सपना नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये कैसे पता करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो गिवन है वो लिख लो, अपना आप उसको क्वाड्रेटिक बनना होगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। ये मैं आगे क्वाड्रेटिक में बताऊंगा कैसे क्वाड्रेटिक बनेगा, अभी तो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और लीनियर इक्वेशन बनना होगा तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, वो अपना हेडेक नहीं है, ठीक है। चलो तो देखो इसने पहला स्टेटमेंट क्या बोला, ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 89, मतलब फर्स्ट का ट्वाइस कर दो, इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ, एक्स को, वाई को अपन सेकेंड वन एज्यूम कर लेते, ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज गिव्स 81, ठीक है, दोनों आपको 81 देते। तो देखो एक ये इक्वेशन फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन, बड़ी इजीली अपन ने इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, 4 times द फर्स्ट, ठीक है, एक्सीड द 5 times द सेकेंड बाय 13, ठीक है। कहने का मतलब ये है 4 times फर्स्ट का, ठीक है, एक्सीड यानी मतलब ज़्यादा है, 5 times द सेकेंड मतलब 5 times ऑफ सेकेंड से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, क्लियर। सिंपल सा ये बोलने वाला कि 4 times ऑफ फर्स्ट एक्सीड द 5 times द सेकेंड बाय 13, मतलब 4 times फर्स्ट का कर दो, 5 times सेकेंड का कर दो, और उससे कितना ज़्यादा होगा, 5 times से भी 13 मोर रहेगा, क्लियर। तो यहाँ से आप देखो इसको इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म करना चाहो तो 4x-5y=13, ये आपकी इक्वेशन टू आ गई। अभी इन दोनों इक्वेशन को आप उड़ा डालो, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप करते रहना, मैं बता देता हूँ एक बार, बार बार अपन ये क्वेश्चन अब सॉल्व करो या नहीं करो एक ही बात होगी, दो लीनियर इक्वेशन मिल गई उसको सॉल्व कर दो। तो ये सपोज यहाँ पे आपका मिला, इन दोनों के एक्स के कोफिशियंट 2 बना देता हूँ, तो इक्वेशन 1 into 2
माइनस इक्वेशन टू। क्लियर, इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करता हो तो फोर एक्स माइन प्लस सॉरी यहाँ पे वाई था, सॉरी यहाँ पे वाई करना था, थ्री टाइम्स वाई बोला था, सॉरी फोर एक्स माइनस थ्री वाई, सॉरी थ्री वाई को मल्टीप्लाई करोगे ना तो सिक्स वाई हो जाएगा, देन आपका फर्दर रहेगा टू से मल्टीप्लाई कर दो तो एट वन सिक्सटीन और सेवनटीन। क्लियर, सेकेंड वन रहेगा फोर एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू थर्टीन। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो आराम, ये ऐड हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये इलेवन वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो फाइव सेवन वन फाइव सिक्स वन फाइव सिक्स फाइव। ठीक है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे डियर तो आप 165 अपॉन 11 करने जा रहे हो रे बाबा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 15 बनेगा। क्लियर, 15 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो गिवन आंसर है वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो एक नंबर आपका 15 हो गया, दूसरा नंबर आप निकाल दो, y की वैल्यू 15 मिल गई तो आप x निकाल दो, x यहाँ से निकाल दो, 4x इक्वल टू 5 इंटू 15 प्लस का 13 हो जाएगा रे बाबा, तो यहाँ पे बनेगा 4x इक्वल टू 75 प्लस 13 तो 88, 88 को 4 से डिवाइड करोगे तो x आपका आ जाएगा बेटा 22। क्लियर, अब ये दोनों इसमें सेटिस्फाई करवा दो फर्स्ट वन में तो भी आपको सेम आंसर ही मिलने वाला है, टू टाइम्स करोगे तो 44 ही हो जाएगा 45, 44 प्लस 45 आपका 89, सॉरी मिस्टेक हुई क्या, 44 और 88 होगा, 88 में 4 का डिवाइड जाएगा तो 22 हो जाएगा ना, 22 वन 170 करेक्ट है ये तो, 44 15 थ्री जा आपका 45 89 बराबर है ना यार, क्या ठीक है 89 ही आएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका बड़ा आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मीन आपको दो नंबर क्या क्या मिले, एक तो 22 मिल गया, दूसरा आपका 15 मिल गया, तो ये दो रिजल्ट आपके मिल गए एक्स वाई के, यही आपको सॉल्व करना था, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना था जो कि आप बड़े आसानी से फाइंड कर चुके हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मतलब सेम टाइप के मैं करवाने के लिए नहीं जाऊंगा कि ऐसा कैसा बार बार कर, अपने को तो अप्रोच सीखनी है देन आप करते रहो, है ना, बड़े आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए बस, और क्या, बाकी अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कि क्या बोल रहा है वही आपको लिखना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखना है। फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, मुद्दे की बात है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपन पढ़ते हैं क्लास 9th में, जिसमें बोला जाता है अपोजिट एंगल का सम कितना होता है बेटा 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी डी इक्वल टू अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब वैल्यू पुट करो, क्लियर, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करके लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए और सी को ऐड कर लेता हूँ, ए और सी, तो यहाँ पे बेटा होगा 2x प्लस 3y, ये सम कर दो तो 17 इक्वल टू 180, बी प्लस डी करोगे तो y प्लस 5x ये हो जाएगा माइनस का 13 इक्वल टू 180। क्लियर, अब आप इन दोनों को बड़े आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो, फर्स्ट वन आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 माइनस करोगे तो 163 आ जाएगा शायद, सेकेंड वन देखो 5x प्लस y इक्वल टू उधर एड ऑन हो जाएगा तो आपका बनेगा बेटा 193। क्लियर, ये 1 और 2, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है तो मैं करता हूँ इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, और माइनस इक्वेशन, मेरे को सबसे मतलब पर्सनली बोलूँ तो एलिमिनेशन ज़्यादा जल्दी हो जाता है कोई, मतलब तो एलिमिनेशन अपन सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, है ना, ये थोड़ा सा क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15x, 3 से करोगे तो 3y, 3 से करोगे तो अरे यार ये तो बड़ा नंबर हो जा रहा है 9, 27, 2, 3 और 2 5, यहाँ पे बेटे बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 163, सब्ट्रैक्ट कर दो
क्लियर। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ बनेगा 13x और यहाँ बनेगा बेटा 614। 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? 13 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 से, 3 बार होगा देन 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 32। x की वैल्यू 32 आई आपके पास। अब y की, x की वैल्यू कहीं भी ले जाके पटक दो, सपोज यहाँ पे पटका तो y की वैल्यू आ गई बेटा 193 माइनस 5 इंटू 32, यानी आ गया 0, 115 यानी 16, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 33। x की वैल्यू आई 32, y की वैल्यू आई 33, बराबर है क्या यार? चेक कर दो 64 99। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो ये दोनों आगे, अब आपको बेटा वैल्यू नहीं पूछा है, आपको पूछा है सब एंगल निकालो। क्या करना है बेटा? एंगल्स निकालना है। अब क्या करो, एंगल ए निकालना है तो ए की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास? 2x प्लस 11, एक्स की जगह 11 रख लो आपके 22, 2 इंटू 22 प्लस सॉरी 32 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 11, तो एंगल ए आ गया बेटा 75। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली वैल्यू पुट करके एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी निकाल सकते हो, बड़े आसानी से हो जाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, वैसे वैल्यू पुट करनी, मेन मुद्दे की बात थी एक्स और वाई निकालना, तो वो अपन ने निकालना सीख लिया बड़े आसानी से। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन। अब बोला था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 8 मीटर एंड द ब्रेथ इज बाय 3 मीटर, एरिया विल बी इंक्रीज बाय 20 स्क्वायर मीटर। इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय दिस मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय दिस, देन द एरिया विल बी इंक्रीज बाय 255। ठीक है, चलो क्लियर। चलो अब देखो, मैं क्या मानता हूँ, अपने रेक्टेंगल बोला है, ठीक है, रेक्टेंगल अपने को नहीं पता है रे बाबा लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है, तो अपन क्या मानते हैं, अपन ने लेंथ को मान लिया एक्स और ब्रेथ को क्या मान लिया रे बाबा y, x और y दोनों ही अपन ने एज्यूम कर दिया, और अपन को एरिया भी नहीं पता है रे बाबा, तो एरिया अपन a एज्यूम कर लेते रे। क्लियर, एरिया वैसे एक्स वाई होता है, a यानी एक्स वाई हो गया, मतलब प्रोडक्ट इनका होगा। क्लियर, तो दोनों ये चीज, ये मतलब अपने को, अपन ने एज्यूम करा नहीं पता है अपने को एक्स वाई, तो निकालना ही है, सिंपल सी बात है। क्लियर, चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो यहाँ पे ये बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला, इफ रेक्टेंगल लेंथ 8 से बढ़ा दूँ, मतलब लेंथ क्या कर दूँ मैं x प्लस 8, ब्रेथ क्या कर दूँ मैं, ब्रेथ इसने बोली है कि 3 मीटर, वो भी 3 मीटर से इंक्रीज कर दो, तो जो आपका एरिया है, अब बताओ कि एरिया क्या होगा, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 3। ये एरिया नहीं भी मानोगे ना तो भी चलेगा, ये नहीं मानोगे तो भी चलेगा, मैं नहीं मान के कर रहा हूँ, ठीक है, एरिया यहाँ पे इसको छोड़ देते, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे। अब क्या बोला है कि जो ये एरिया है, सॉरी ये वाई होगा, वाई, अब ये बोला है कि इसका जो एरिया है वो 200 स्क्वायर मीटर से बढ़ जाता है, तो पुराना एक्स वाई था प्लस कितना हो जाएगा डियर 200, मतलब पुराना एरिया ये रहा, उसका कितना बढ़ गया 200 बढ़ा दिया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो लीनियर इक्वेशन बनी नहीं, बन जाएगी रे बेटा, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो एक्स वाई प्लस ये मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 8y प्लस 24, देन आपका आंसर बनेगा एक्स वाई प्लस 200। अब देखो ये एक्स वाई, ये एक्स वाई उड़ा ले गया रे, तो ये बना रहे बाबा 3x प्लस 8y इक्वल टू 200 में से 24 माइनस करा तो आपका बचेगा 176। ये इक्वेशन वन बन गई। ऐसी इक्वेशन अपने को दो निकालनी है तब अपना सब काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात, कि अपने को ये ऐसी दो इक्वेशन निकाल दो गुरुजी, बाकी तो अपन सब निपटा देंगे, क्या भी कुछ भी निकालना है वो निकाल देंगे। अब अगली वाले केस में क्या बोला इसने, इसने ये बोला है कि लेंथ 3 से इंक्रीज कर रहा हूँ, ब्रेथ 28 से, उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, लेंथ इंक्रीज बाई 3 यानी एक्स प्लस 3, ब्रेथ इंक्रीज बाई 8 यानी एक्स प्लस 8, इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस 3 y प्लस 8 होगा ना, y
एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल टू, अगला क्या है बेटा, इसका बोला है कि 225 से इंक्रीज हो जा रहा है एरिया, तो एरिया क्या था x प्लस वाई प्लस टू 225 और 255 था, सॉरी 255, ठीक है। अब सॉल्व कर दो बेटा, एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस थ्री वाई प्लस 24 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 255, एक्स वाई उड़ गया। अब यहाँ पे आपका बचेगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, अपना काम हो जाएगा। अब देखो 8x प्लस 3y इक्वल टू 24, इसमें से माइनस कर दो 132 बचेगा, ये इक्वेशन नंबर होगी 2। तो ये दो इक्वेशन थी, एक ये थी, दूसरी थी बेटा 3x प्लस 8y इक्वल टू, क्या आया था, 3x प्लस 8y इक्वल टू 176। क्लियर? इक्वेशन टू। अब एक तो तरीका है बेटा अपने पास कि अपन इन दोनों को सॉल्व कर दो। अब देखो एक मैंने तरीका बताया था, उसको मैं यूज करना चाह रहा हूं। देखो यहां कोफिशियंट क्रॉस में जा रहा है, इसका एक्स का इधर जा रहा है, वाई का इधर जा रहा है, तो एक बार क्या करता हूं, सॉरी इक्वेशन वन थी ना ये, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। तो देखो इधर क्या होगा, 11x प्लस 11y इक्वल टू, इधर ऐड करा तो देखो 7 0 1 जाएगा 3 और 4। यार गड़बड़ा गया कुछ अपने पास, यहाँ वैल्यू कुछ मिस्टेक हो रही है, 7 4 आ रहा है क्या, कुछ मिस्टेक है क्या कहीं, ये आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो x की वैल्यू निकल नहीं पाएगी सीधी, और कुछ मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने, 200 माइनस 24 करा था तो आपका 176 आएगा, 10 में से 3 गया 7, 11, ठीक है 3x प्लस 8y। क्लियर? अगले वाले में नहीं, सही आ रहा ना, बराबर यहाँ से सही आ रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 का डिवाइड हो रहा है ना, मैंने सोचा डिवाइड ही नहीं होगा यार, तो आपका एक्स प्लस वाई बना रहे बेटा, यहाँ पे बनेगा 37, ठीक है, ये इक्वेशन 3 बोल दूँ। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करा, तो ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा रे, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो बनेगा 5x माइनस 5y इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका बनेगा 11 में से 6 गया 5, 13 में से 6, 7, 8 गया 5, 1 नहीं बचेगा, 5 ही बचेगा, 55, ये बचेगा, तो x माइनस वाई कितना हो गया 11। क्लियर? ये इक्वेशन 3 हो गई, 4 हो गई। क्लियर? अब देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है, तो x प्लस वाई कितना आया डियर, 37, देन x माइनस वाई कितना आया आपके पास, कितना आया था रे, 11 है ना, हाँ एक बार ऐड कर दो, तो प्लस करा तो देखो प्लस करने पे क्या हुआ, वाई वाई उड़ गया, 2x इक्वल टू आ गया 48, तो x आ गया 24 मीटर। क्लियर? अब x 24 आ गया तो दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर x की वैल्यू 24 रखो तो y आपका मिल जाएगा, y मिल जाएगा यहाँ से, y कितना मिलेगा आपका, 24 माइनस करा तो 13 मीटर। क्लियर? तो ये आपकी x और y की सिंपल सी वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना था, लेंथ और ब्रेथ मिल गया बस, क्या x आपका 24, लेंथ मतलब आपकी 24 मीटर आ गई और ब्रेथ कितनी आ गई, 13 मीटर। क्लियर? ये बड़ा आसान एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, ठीक है। एक्स वाई की कैलकुलेशन यार चेक कर लेना कोई भी ना, तो ये अपने को एक्स वाई निकालना था, तो बड़ा इजीली आपने कैलकुलेट करके एक्स वाई की वैल्यू आपने क्या कर दी, फाइंड कर दी। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो अगला क्वेश्चन, ये कोई बोर्ड वगैरह में भी आया हुआ है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। राम ट्रेवल्स 360 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाई पार्शली बोलते हैं पार्टली, हाँ पार्टली बाई ट्रेन एंड बाई कार, मतलब वो मतलब अपने घर से, अपना होम है यहाँ पे, यहाँ से कहीं ट्रेवल करता है कितना 760 किलोमीटर, बट वो दो पार्ट में करना है, कुछ बस से जाता है कुछ ट्रेन से जाता है और कार से। ही टेक 8 hours इफ ही ट्रेवल्स 160 किलोमीटर, मतलब इसने फर्स्ट कंडीशन दी, फर्स्ट कंडीशन क्लियर, उसने ये दी कि जो 160 किलोमीटर ही टेक्स 8 hours, मतलब इसको मतलब सपोज मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये सपोज 160 किलोमीटर किससे जाता है, ट्रेन से, क्लियर। बचा कितना है बेटा, बचा अपने पास है 160 माइनस कर दो इसमें से तो आपका 500, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये तो बोलोगे 600 होगा ना, 600 किलोमीटर ये किससे जाता है बेटा, कार से। तो इस केस में इसको टोटल जो टाइम लगता है वो है बेटा 8 hours, कितना है 8 hours, क्लियर। रेस्ट कर, ही टेक 12 मिनट मोर इफ ही ट्रेवल 240 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग कार, तो फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेटली, क्लियर। दूसरा केस ये बोला है डियर कि सपोज ये 240 किलोमीटर कार से ट्रेन से चला जाए, कितना 240 किलोमीटर है ना ट्रेन से जाए, क्लियर। देन रिमेनिंग जो है वो आपका चला गया कार से, तो रिमेनिंग कितना बचा, 240 यहां से चला गया तो रिमेनिंग बचेगा 0 to 520 किलोमीटर वो कार से। तो इसको जो टाइम लगता है ना वो पुराने से 8 मिनट ज्यादा लग, 12 मिनट्स, क्लियर। इस 12 मिनट्स को अपन आवर्स में ही कन्वर्ट कर देते हैं तो 8 + 12/60 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 हो गया 40 1/5 आवर्स, इतने टाइम के बाद ये पहुंच जाएगा वहाँ पे, ठीक है। मतलब ज़्यादा लग रहा है टाइम, यही बोला ना इसने, मोर टाइम ही बोला ना, टेक 12 मिनट्स मोर इफ ही ट्रेवल 2 किलोमीटर, ठीक है ये बोला है। तो अब बोला है बेटा इसने कि मुद्दे काम की बात ये बोली कि ट्रेन की स्पीड बताओ और कार की, ठीक है। तो अपन एज्यूम करते हैं लेट ट्रेन स्पीड है ना, वो एज्यूम कर लेते x किलोमीटर पर आवर, किसमें पूछा है इसने, किसी में नहीं पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर ही कर लेते हैं, ठीक है। टाइम अपने को आवर में दिया हुआ है, स्पीड डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है ना। ये ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने मतलब छोटी क्लास में करे हुए हैं बट इस टाइप के नहीं करे हुए, ठीक है। दोनों की स्पीड अपन ने एज्यूम कर दी, क्लियर। अब बताओ जब ये ट्रेन से जा रहा है तो इसकी x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी सेम x किलोमीटर पर आवर, अरे यार सर पर मिनट लिख लिया ना, और यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी। बट अब बताओ इसमें टोटल टाइम कितना लगा इसको, 808 hours, ठीक है। मैं इस स्लाइड को एक बार कॉपी करता हूँ, इसी को यूज़ करता हूँ, तो इसी को मेरे को थोड़ा यूज़ करना है। इसको ले लेते हैं, पर ये अपने को चाहिए नहीं, ये मैंने लिख लिया, क्लियर। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव करवा लेते हैं अपन, ये अपने को इतना नहीं चाहिए, अपने को 11/5 hour चाहिए, 11/5 hours, क्लियर। तो यहाँ तक ही अपना हो गया। अब देखो, अब इसने टोटल टाइम दिया, अपने को बस इक्वेशन बनानी। अब बता दो इसने टोटल टाइम 8 hour दिया, यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगेगा, 160/x, डिस्टेंस, टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 160 थी, स्पीड x है। यहाँ पे बताओ
600 स्पीड थी, डिस्टेंस क्या थी y, टोटल टाइम कितना है 8, बस। मतलब क्या करा मैंने, इस पार्ट में टाइम निकाला t1, इस पार्ट में टाइम निकाला t2, दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया, ऐड होके क्या होना चाहिए 8 आवर, तो इक्वेशन 1 बन गई, क्लियर। सिमिलरली इक्वेशन 2 बनाने जाऊं तो ये हो जाएगा बेटा 240 अपॉन एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 520 अपॉन वाई इक्वल टू 41/5, क्लियर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ये आपका हो जाएगा t1, ये हो जाएगा t2 और ये आपकी टोटल टाइम हो गया। अब इन दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन मिल गई है, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और अपने को क्या करनी है एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये अपना काम रहा कि एक्स वाई की क्या करनी है, एट द फाइनल अपने को क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई की, ठीक है। तो देखो इसको सपोज मैं लिखता हूँ वापस एक बार इक्वेशन को, 160 अपॉन एक्स था, मैं क्या करता हूँ 1/x को जगह मैं पुट कर लेता हूँ a और 1/y की जगह पुट कर लेता हूँ b, वही आपका रिड्यूसिंग वाला, अपन लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर देते हैं इसको इक्वेशन को, यार बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें यार, 160 a प्लस 600 b इक्वल टू 8, क्लियर। सिंप्लीफाई इसको भी ऐसे ही कर लेते, 240 a प्लस 520 b इक्वल टू 41/5 हो जाएगा। चलो देखते हैं अब कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा अपने लिए। देखो a को सेम बनाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो देखो a को सेम बनाता हूँ मैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ देखो 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, ठीक है, सॉरी 2 से, इसको किससे कर देता हूँ 2 से, देखो काम बन जाएगा। 4 से करोगे ना, नहीं इसको 3 पहले वाले को 3 से कर दो, 3 से, ठीक है। तो देखो 3 से करा तो क्या बना, देखो 140 a प्लस 600 b, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करा तो 900 b इक्वल टू 24। यहाँ पे देखो 2 से करा तो 480 a प्लस 2 से इधर करो आप तो 1040 आ जाएगा b प्लस आ जाएगा आपका 282/5, क्लियर। कैलकुलेशन एरर हो रही है कहीं ना कहीं, क्या बोला था इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, इट टेक्स 12 मिनट्स मोर, ठीक है 12 41/5, ठीक है टाइम सही है, 420/520, दोनों इक्वेशन भी सेम है, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको मल्टीप्लाई अपन ने 2 से किया, इसको मल्टीप्लाई अपन ने 3 से किया तो 24 आया। हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 1800 आएगा यार। चलो अब देखो अब सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, सब्ट्रैक्ट कर दो, कट गया तो ये आपका आंसर बचेगा 06 देन आपका 11 यानी 760 b इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 24 माइनस 82/5। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो कितना आता है, 760 b इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 5/2 120 माइनस 82/5। तो b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सपोज यहाँ पे 1/ में कर दो 1760 आ जाएगा इंटू 5 आ जाएगा, ऊपर आएगा 38 आएगा, ये 38 टू टाइम्स होता है क्या, ठीक है 20 टाइम्स हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/100, क्लियर। सिमिलरली जब आप b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी सपोज शायद 180 आएगी, 1/80 आएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लेना। अब देखो b की वैल्यू 1/80 मिली,
तो वाई की वैल्यू कितनी होगी रेसिप्रोकल, तो 100 किलोमीटर पर आवर, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये दोनों की वैल्यू निकल गई एक्स और वाई की। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, मेन अपन ने देखो इक्वेशन बनाई, देन अपने को रिड्यूस भी करना था, देन आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो होप अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते वर्ड्स प्रॉब्लम के तो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और वर्ड्स प्रॉब्लम की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।